सॉफ्टवेयर चेंज किया और पिछले 4-5 महीने में वो मुकाम हासिल किया जो सबका ड्रीम हो सकता है, तो आज सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा राहुल मकरानी जी को, राजस्थान की शान। संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी। राणा सिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। साथियों नमस्कार, और जिसका जितना लंबा नमस्कार उसकी उतनी लंबी कार। तो नमस्कार भी आपका है और कार भी आपकी। मेरा नाम राहुल मकरानी है, राजस्थान जोधपुर में थोड़ा सा आगे एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। दोस्त आज जहां पर मैं खड़ा हूं ना, कामयाब हूं मैं करोड़पति हूं, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब कुछ है मेरे पास में। लेकिन जो ये राहुल मकरानी आज कामयाब है, एक दिन ऐसा था मेरा और मेरे परिवार का कि हमारे पास में कुछ नहीं था दोस्त। यहां तक कि जब मैं 9th क्लास में था तब तक मैंने कभी भी किसी भी त्यौहार में नए कपड़े नहीं देखे हैं दोस्त। 9th क्लास में पैबंद वाली निक्कर पहनकर मैं स्कूल गया हुआ हूं दोस्त। 10th क्लास के अंदर 38% थर्ड डिवीजन बाइक रेस में पास हुआ। 12th क्लास में 2 बार मेरा रिजल्ट डाउन रहा। उसके बाद में जैसे तैसे करके मैंने एमए किया, और एमए करने के बाद, एमए का मतलब जानते ना आप? हेलो, क्या होता सर? मास्टर ऑफ आर्ट्स। पहले सर मैं भी ऐसा समझता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि का मतलब होता है पूर्ण शिक्षित बेरोजगार। अर्थात आप 17 साल किसी सिस्टम को देते हो और वो सिस्टम आपको 1500 रुपए से लेकर 5000 महीना कमाने तक की ताकत नहीं देता, उसको क्या बोलते हैं? एमए। एमए करने के बाद दोस्तों एक छोटी सी नौकरी किया, और आज मुझे ये बात बताते हुए बड़ा फक्र होगा, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कारण 1500 रुपए महीना नौकरी करने वाला राहुल मकरानी आज आपके सामने करोड़पति बनकर खड़ा है यहां पर। ये तो पुराने समय की बात है, ये उस समय हमने सक्सेस प्राप्त की जब वेस्टीज नहीं था। हेलो, क्या है यार ये वेस्टीज, क्या ताकत है इसकी। इसके प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊं ना आपको, इतने शानदार प्रोडक्ट हैं। मैं इसका LRG9 ले रहा हूं, Q10 ले रहा हूं, स्प्रेनुला ले रहा हूं। अभी कुछ समय पहले मैं सूरत एक मीटिंग के अंदर गया, मीटिंग के बाद में शाम को गया तो मच्छर ज्यादा थे, मैं देख रहा था 9-10 बजे अकेला बैठा हुआ था, एक मरियल सा मच्छर आया, इतना उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, झूम करके है ना, फिर थोड़ी देर में झूम करके, मैंने कहा यार जिंदगी से कितना हारा हुआ है, और वो आकर मेरे ही हाथ पे बैठा, हाथ पर बैठा, मेरा खून पीने लग गया। मैंने कहा बेटा पी पी, वेस्टीज का खून है। और वो जो मरियल सा मच्छर था, सच्ची बता रहा हूं सर, प्रोडक्ट में इतना दम है अपनी तो छोड़ो, उसके बाद में वो मच्छर एकदम झूम करके ऐसे ऐसे गया ना, अरे सोचो जरा, सोचो यार मच्छर का ये इफेक्ट। हेलो, इस कंपनी को समझ लो, वेस्टीज को समझ लो दोस्त, अभी नहीं तो कभी नहीं, आने वाले टाइम में वेस्टीज का नारा होने वाला है, हर हर वेस्टीज, घर घर वेस्टीज। अरे हमें कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमें वेस्टीज का मौका मिला। दोस्त मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ का बीवी मेरा लगभग 10 लाख के आसपास था, पिछले महीने का बीवी 25 लाख है, और मैंने सर से कमिटमेंट किया है कि एनी हाउ अप्रैल महीने में 1 करोड़ बीवी निकालूंगा, मतलब 100% निकालूंगा।
होना ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि बिजनेस करना बहुत आसान है। लोग बोलते राहुल जी इतना बीवी कैसे आ जाता है, कैसे आ जाता है? बिल्कुल आसान है। हम लोगों ने क्या किया, आज तक बहुत सारे लोगों को अमीर बनाया। अभी यहां पर हमने क्या किया, दंगल मूवी बाहर लेकर निकले ना, अभी तो निकले ही नहीं, सीढ़ियों में उतर रहे। दोस्त को फोन किया, दंगल मूवी ना मस्त, हेलो किया ना आपने? कॉलेज में तो अक्सर किया होगा किसी को देख के तो। हाँ क्या हुआ उसके बाद में, अगर किसी मिठाई की दुकान अच्छी लगी तो क्या बोला, उसकी दुकान ना मस्त, बोलते हैं ना ऐसा। अभी ये कौन सा होटल है हमारा, यहां से जाने के बाद में हम क्या बोलेंगे, सर वो प्लाजा होटल ना मस्त, बोलते हैं ना। मैं आपको बोलता हूं, एक बार एक साल के साथ में अपनी अपलाइन के साथ ये संकल्प ले लो, जो भी मिल जाए ना उसको बोलना वेस्टिज कंपनी ना मस्त, वेस्टिज कंपनी के प्रोडक्ट ना मस्त। सिर्फ ये कर लो दोस्त, और बिजनेस करना कितना आसान है। आपको करना क्या है, हमारे कंपनी का पेस्ट लेना है, हेलो, और हाँ ध्यान रखना टूथब्रश भी अपना ही हो। कई बार मैंने देखा है संगम ही नहीं है, पेस्ट हमारा टूथब्रश किसी और का। ये तो वो वाली बात हो गई कि नीचे धोती पहनी और ऊपर आपने सूट पहन लिया। पेस्ट भी हमारा और ब्रश भी हमारा, और करना क्या है उसमें डालकर और पड़ोसी के घर के सामने जाकर खड़े होके खड़ते रहना, करते रहना थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट 25 मिनट में उसका धैर्य खत्म हो जाएगा। बोले यार रोज मेरे घर के आगे आके क्यों पेस्ट करता है? अरे यार हमारे प्रोडक्ट में इतना मजा आता है ना, करूं नहीं तो क्या करूं। कितना आसान है सर बिजनेस करना। हमारे गुजरात के अंदर एक लेडी है, उनको मैंने सिखाया कि हमारे MOM के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। जनरली लेडीज लिपस्टिक कहाँ लगाती है, यहां से यहां तक लगाती है ना। मैंने उनको सिखाया, मैडम पूरा भर दो यहां से लिपस्टिक यहां तक। एक बार वो पूरा लिपस्टिक लगा के गई, लोगों ने पूछा ये इतना सारा लिपस्टिक, अरे लिपस्टिक लगाने से अगर पैसा आता है तो लगाने में क्या दिक्कत है। इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारे, चाय पत्ती, हेलो जीटा टी है ना, मेहमान आए ना उसको एक कप देना, खुद 6 कप लेकर बैठना, एक के बाद उसका धैर्य खत्म। बोले क्या, पिए जाओ कब तक देखेगा, देखने के बाद बोलेगा भाई क्या, बोले पीने से पैसा आता है तो क्या दिक्कत है। दोस्तों इतना ही नहीं, क्या करना, प्लास्टिक की छोटी सी किसी चीज में अपना जीटा टी ले लेना और लेकर जेब में डालना, और कहीं दोस्तों के पास में जाओ ना तो वो निकालना, निकाल के हाथ में डालना, ऐसे ऐसे करके लोग बोलेंगे अरे जर्दा खाता है, अरे जो ताकत जीटा में है ना वो जर्दे में कहाँ है। दोस्त इतना बिजनेस करना, हेलो करना क्या है दोस्त, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट होता है। एक बंदा एक बगीचे से निकल रहा था, निकलता वक्त एक पौधे से पेड़ से एक एप्पल नीचे गिरा, और उस गिरते हुए एप्पल को देखकर उसने सोचा ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। कौन है वो? न्यूटन। अर्थात मुझे यह समझ में आता है कि उस दिन पेड़ से सेब का गिरना न्यूटन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। ऐसा ही टर्निंग पॉइंट था जब चंद लोगों ने मिलकर एक शख्स को ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया और उसको यह बोला यह जगह तुम्हारे बैठने के लिए नहीं है। दुनिया उनको किस नाम से जानती है? अर्थात मुझे यह समझ में आता है कि महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर धक्का देना उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, और ऐसा ही टर्निंग पॉइंट था राहुल मकरानी का। मैंने डायरेक्ट सेलिंग सर जब ज्वाइन किया मुझे इतना पता नहीं था कि ये बिजनेस कैसे होता है क्या होता है। मैं एक दिन रात को किसी स्थान पर उतरा, थोड़ा लेट हो गया था, रात को ठंड का टाइम था और वहां पर ऑटो की व्यवस्था नहीं थी। मैं पैदल पैदल चल रहा था, थोड़ा सा सुनसान जगह पर गया और जाकर मैंने क्या देखा कि कुत्ता आया और जोर जोर से मुझे भौंकने लगा। ये उस समय की बात है जब कुत्ता काटने पर 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे। वो भौंकने लगा, मैंने क्या किया एक पत्थर उठाया और उसको दे मारा। जैसे ही मैंने उसको एक छोटा सा पत्थर मारा, थोड़ी देर के बाद में क्या देखता हूं वो लगातार भौंकता रहा और पीछे से 4-6 कुत्ते और आए और वो भी भौंकने लगे। अर्थात मुझे समझ में ये आता है कि रात को 2 बजे एक कुत्ता बिना किसी उद्देश्य के चिल्ला के अपने 4 साथियों को इकट्ठा कर सकता है, तो हम लोग तो यहां पर इंसान और वेस्टिज हमारे साथ में है यहां पर।
हेलो, जो सोचोगे ना वो होगा। मैंने सर से वादा किया है कि अप्रैल में 1 करोड़ बीवी होगा, 30 अप्रैल को मैं अपनी 50 लाख की ऑडी कार लूंगा, होगा, और ये 100% होगा। दोस्त जाते जाते सिर्फ एक बात मैं आपको बता के जाना चाहूंगा, जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है, और जब भी जिंदगी मौका देना चौका लगा दो। क्या करना है वेस्टीज में यार, सिस्टम को फॉलो करना है, अपलाइन को फॉलो करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है। अरे आप हिंदुस्तान में हो और हिंदुस्तान में एक चाय बेचने वाला लड़का अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप और हम यहां पर क्या कर सकते हैं दोस्त? सोच लो ना यार, क्या कर सकते हैं हम लोग? हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम टीम चैंपियन का हिस्सा है दोस्त। ये टीम चैंपियन ही है जो हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड का रिकॉर्ड चेंज करने वाली है। हेलो सर, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो 4 लाख महीना कमाते? हेलो सर, नहीं कमाते तो धिक्कार है। हेलो सर, पता है आप में से कोई भी शख्स को यह पता नहीं होगा कि आपका बॉडी का कीमत कितना है। नहीं पता ना, आ जाना मीटिंग के बाद में, ऑनलाइन खड़े खड़े 2 करोड़ में सौदा करवा दूंगा आपका। 2 किडनियां 25-25 लाख की, आंख का लीवर का अच्छे से 2 करोड़। हेलो, अर्थात हर बंदे का वैल्यू 2 करोड़ है, और मारवाड़ी के हिसाब से मैं सोचता हूं तो अगर 4 लाख महीना अगर आप नहीं कमाते तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हो दोस्त। ये वेस्टी सिस्टम है, अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्त। आज यहां पर जितने भी ऐसे शख्स हैं जो पहली बार इस सब को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको एक छोटी सी बात बताने के बाद में मैं अपना स्पीच समाप्त करूंगा। ये ध्यान रखना, आप में से कई लोग भगत हैं, है ना, कोई शिव जी का भगत है, कोई हनुमान जी का भगत है, अपने अपने इष्ट के आप सब भगत है। तो आज ये 3 दिन का प्रोग्राम होने के बाद मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, इस जीवन में कभी भी आप अपने भगवान से ये शिकायत नहीं कर पाओगे कि आपको अमीर और कामयाब बनने का मौका नहीं मिला। कैसे? आपने जिंदगी भर, एक बार जोरदार खुद के लिए ताली बजा दीजिए। क्या होगा, आप जिंदगी भर अपने भगवान इष्ट की प्रार्थना करेंगे, उनको सुनेंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि हमारे जीवन का अंतिम दिन आएगा और जिंदगी भर पूजा पाठ करते हुए हम क्या मांगते हैं? भगवान हमें गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, बैंक बैलेंस दे दे, सर ऐसा ही बोलते हैं ना। और एक दिन क्या होगा, हमारे जीवन का लास्ट टाइम आएगा, हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, और उसके बाद में हम जब स्वर्ग में जाएंगे, कहां जाएंगे भाई, कल्पना करें तो नरक की क्यों करें यार। तो स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग का सीन, माना कि आप शिवजी के भगत हो तो स्वर्ग का सीन ऐसे होता है, ये एक गेट होता है, यहां से आपको आना, यहां पर शिवजी बैठे होंगे ऐसे, पास में पार्वती जी भी बैठे हैं वहां पर, है ना, और आपको ऐसे दर्शन करके और आगे निकल जाना है, आपका भी नंबर आएगा वहां पर। और जैसे ही आप भगवान के सामने पहुंचोगे तो ये जैसे सामने भगवान इनके सामने पहुंचे तो आपने पीठ फेर दी, शंकर भगवान का दिमाग खराब, रे भगत पूरी जिंदगी तूने मेरी पूजा अर्चना की और आज जब मैं स्वयं साक्षात तुझे दर्शन दे रहा हूं तो तूने भगत मुंह फेर लिया, अब हमारा क्या? पूरी जिंदगी का वो गुस्सा भरा हुआ एकदम भगवान के सामने ऐसे देखकर, आप हो शंकर भगवान? बोले हां भगत, मैं हूं शंकर भगवान, मैं आपको भगवान भगवान नहीं मानता। बोले क्या हुआ भगत? बोले जिंदगी भर मैंने पूजा की, मेरी पूजा में कोई कमी? बोले नहीं। बोले हर सोमवार को मैंने हर समय पूजा आरती व्रत की, उसमें कोई कमी? बोले नहीं। हर मास शिवरात्रि को सारी रात मैंने तांडव किया, उसमें कोई कमी? बोले नहीं। जब भगवान मेरे किसी चीज में कमी नहीं थी और पूरी जिंदगी मैं आपसे मांगता रहा, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस रुपया दे दे, आपने नहीं दिया, तो भगवान मुस्कुरा के बोलेंगे, इधर एक ऑपरेटर बैठा होगा, ऐसा LED वहां पर भी लगा हुआ है ना, मैं गया नहीं बाकी मुझे ऐसा पता है, तो उसको ऑपरेटर को इशारा करेंगे, हाँ भाई ऑन कर दो, वो ऑन करेगा, फिर वहां पर आप स्क्रीन पे दिखाएंगे एक बंदा 10वीं क्लास में फेल हो गया, फेल होने के बाद में वो फॉरेन में जाके पेट्रोल पंप पे नौकरी करता है, जिंदगी में भारी उत्पात होती है, और फिर सामने धीरूभाई का फोटो दिखाते हैं, शंकर भगवान पूछेंगे जानता है इसको? बोले हाँ, शंकर भगवान बोलते हैं, हाँ जानता, कौन है? बोले धीरूभाई अंबानी। अच्छा, उसको बोलता ऑपरेटर को नेक्स्ट, वो दूसरी वाला दिखाते हैं, एक बंदा आकाशवाणी देहरादून में जाता है, उसकी आवाज रिजेक्ट कर दी जाती है, उसके बाद में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जाता है, तो डायरेक्टर उसको ये बोलते हैं, या तो गर्दन कटवा का या पैर कटवा का, तेरी लंबाई बहुत ज्यादा है, और फिर फोटो दिखाते हैं, बोले ये कौन है? बोला अमिताभ बच्चन। अब इससे पहले कि शंकर भगवान तीसरा वीडियो ऑन करवाए, वो बोलता है अरे भगवान
अगर मुझे दुनिया में जाने का मौका मिले तो मैं बोलू काय के भगवान, मैं पूछ रहा हूं अमीर क्यों नहीं बनाया? आप कभी अमिताभ को दिखा रहे हो, कभी धीरू भाई को दिखा रहे हो, अरे रुक, तीसरा वाला दिखा। अब तीसरा वाला दिखाएंगे उसको आज की मीटिंग का फोटो। इस हॉल में आप बैठे हुए हैं, ग्रैंड प्लाजा में दिखा रहे इसी मीटिंग का फोटो, और आपका उसमें जूम करके दिखाएंगे ये। हाँ भगवान, हाँ मैं हूं भगवान, ये तो मैं, हेलो हाँ, उसको बोलेंगे जूम कर एकदम, भगवान मैं हूं, ये तो तू है, बोले हाँ। अब बोले इसके आगे वाला दिखा, अब उसके आगे वाला दिखाएंगे, ये लग्जरियस कार, साल में दो बार फॉरेन यात्रा, 1,00,000, 5,00,000, 50,00,000, 1 करोड़ महीना, पूरी लग्जरियस शानदार कोठी, गुलाब के फूलों की आप पे बरसात हो रही है, आपका दिमाग खराब। भगवान को बोलोगे भगवान एक मिनट, ये पिछले वाले वीडियो में तो मैं था, पर जो आगे वाले बता रहे हो ये सब कुछ तो मेरे साथ हुआ ही नहीं और आप यहां पर दिखा रहे हो। तब शंकर भगवान बोलेंगे, रे भगत एक बार वेस्टेज ज्वाइन तो कर लेता, फिर मैं तुझे दिखाता कि ये देता कि नहीं देता। दोस्तों तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, इस सिस्टम में आपको सारे चीज मिलने वाला है। थैंक यू माय डियर, विश यू वेल्थ।